माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक विधानसभा क्षेत्र व्यय के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय व्यय एवं प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भूसावर के अतिरिक्त अन्य किसी भी पशु चिकित्सालय एवं उपकेंद्र में पशुओं की जांच के लिए लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन स्थानों पर वर्तमान में प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशाला लेबोरेटरी स्वीकृत है। प्रदेश की प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था में पशुओं की जांच हेतु रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित किया जाना वर्तमान में आवश्यक नहीं है। खंड दो, जी नहीं, प्रदेश के प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था में पशुओं की जांच हेतु रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित किया जाना वर्तमान में आवश्यक नहीं है। पशु रोग निदान प्रयोगशालाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो उत्तर दिया कि लिखा है कि आवश्यकता नहीं है और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोली जाएंगी। क्वेश्चन मेरा माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पशु चिकित्सालयों में लेबोरेटरी खोलने के मापदंड क्या हैं? आपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए बजट में अपनी मांग के दौरान बैर विधानसभा पशु रोग निदान प्रयोगशाला खोले जाना प्रस्तावित किया है। जब आपने डिमांड ही नहीं रखी तो वित्तीय संसाधनों की पूर्ति कैसे होगी? कृपया स्पष्ट करें, क्या हलैना कस्बा में लेबोरेटरी खोलने के मापदंड पूरा नहीं करता है? हलैना में कब तक लेबोरेटरी खोली जाएगी? पशुओं में महामारी फैलने में प्रयोगशाला के अभाव से विभाग की क्या कार्य योजना है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु निदान प्रयोगशालाएं ज्यादातर प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में खोली जाती है या BVS जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हीं में, बड़े हॉस्पिटलों में खोली जाती है, जिससे वहाँ समुचित रूप से उनका उपचार हो सके। जहाँ उपकेंद्र है या चिकित्सालय है वहाँ सभी जगह उनकी आवश्यकता नहीं रहती, और यदि कोई ऐसी आवश्यकता है माननीय सदस्य के तो वो एक बार बताएं, मैं उसका जांच करवा करके यदि आवश्यकता होगी तो करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैर विधानसभा यानी भरतपुर से 60 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ से महुआ वो भी 50-60 किलोमीटर पड़ता है। इंसान को तो मोटरसाइकिल पर फोर व्हीलर पर बैठा के ले जाएंगे, क्या पशुओं को लेबोरेटरी में यानी वहाँ किस साधन से ले जाएंगे? तो मेरा माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से ये जानना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरा प्रश्न ये है, यानी मेरे बैर विधानसभा के अंदर कम से कम 20 गांव ऐसे हैं जहां 7-8 हज़ार की आबादी है, जैसे पथेना। प्रश्न पूछे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो बड़े बड़े गांव में जो हॉस्पिटल हैं वहां पर डॉक्टर नहीं है और वहां यानी पशुओं की महामारी फैली हुई है, क्या माननीय मंत्री जी जहां डॉक्टर नहीं है मगर डॉक्टरों का व्यवस्था करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बैर विधानसभा में बैर और भुसावर में जो बड़े हॉस्पिटल है, जो प्रथम श्रेणी के हॉस्पिटल है, वहाँ पर पशु निदान प्रयोगशाला संचालित है, और दूसरी कोई आवश्यकता होगी तो माननीय सदस्य मुझे बताए, उसकी जांच करवा करके आगे उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि चिकित्सा अधिकारी के पद ज़्यादातर रिक्त है, और इसके लिए विभाग में पशु शिक्षा अधिकारी के 900 पदों पर नियमित भर्ती प्रकरण में राजस्थान लोकसेवा आयोग अजमेर द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 22/10/2019 के क्रम में दिनांक 2/8/2020 को लिखित परीक्षा आयोजित कर दिनांक 26/11/2020 को परिणाम जारी किया जा चुका है। राजस्थान लोकसेवा आयोग के स्तर से साक्षात्कार संपन्न हो चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण से परिणाम प्रकाशित नहीं हो रहा है। परिणाम प्रकाशित होते ही हम 900 डॉक्टरों के इनके यहाँ भी जो रिक्त पद है वो पूरा भरने के प्रयास करेंगे। हिरचंद कृपलानी। प्रश्न संख्या 287। माननीय मंत्री जी,
माननीय